सेठ जी, आज मैं आपको ब्रेड की और आलू की पेटीज बना के दिखाने वाली हूँ और हरी चटनी लगा के। तो चलो पहले हरी चटनी बनाते हैं, फिर आलू की पेटीज बनाएंगे। ये मिक्सी में चटनी पीसनी है पहले। ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, आप चाहे तो 1 भी डाल सकते हैं 1 इंच। और ये 6 हरी मिर्च है और ये कुछ कलियां लहसुन की है। ये 1 चम्मच छोटा चम्मच नमक है। ये धनिया मैंने साफ करके धो के रख लिया है। अब थोड़ा थोड़ा धनिया डाल के चटनी बनाएंगे। ये 6 आलू मैंने उबाल के रख लिए थे, अब इनको हाथों से स्मैश करके और थोड़ा सा इसका कच्चापन निकाल देंगे, तड़का लगाएंगे कढ़ाई में। इसका फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, मस्टर्ड ऑयल डाल दी मैं, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं 1 चम्मच के करीब। ये 1 छोटी चम्मच जीरा है, आधी चम्मच हींग है, 1 चम्मच सूखा धनिया है। उबाल के छील के ठंडे कर लिए थे और अब मैं इसमें स्मैश करके डाल दिया। गैस मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर रखी है। आधा चम्मच नमक डाल दी हूँ, 1 छोटी चम्मच अमचूर, आधा चम्मच छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। लो फ्लेम करके थोड़ी देर इसको रखना है। जो ब्रेड को बनाने का बैटर है इसमें हम वो भून लेते हैं, 3 से 10 मिनट के लिए रखना पड़ेगा रेस्ट के लिए। चार सौ ग्राम के करीब मैंने बेसन लिया है, 1 चम्मच नमक डाल दी इसमें, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दी। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, तो ये डालना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप मिर्ची डालना चाहते हो डाल सकते हो, हम ज़्यादा मिर्च नहीं डालते, तो इसमें चटनी में काफ़ी सारी मिर्च है तो इसलिए मैं इसमें डाल दी। अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा खाना पसंद करते हो तो डाल सकते हो लाल मिर्च। बैटर को ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना और ज्यादा पतला नहीं बनाना, तो ऐसा बनाना है बैटर को। चम्मच में उठा के देख लो या फिर ऐसे हाथ से देख लो, अगर ऐसे गिर रहा है तो ठीक है। ये 1 छोटी चम्मच मैं अजवाइन डाल दी। बेसन घुल गया, अब इसको 10 मिनट रेस्ट फिर रखेंगे। मसाला भी बन गया, अब गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ, अब ये ठंडा होने के लिए रखती हूँ। इसे मैं ब्रेड काट के रखती हूँ। हर ब्रेड को 2 टुकड़ों में काट दूं। ये सारी ब्रेड मैंने 2 भाग में काट ली है। तो ये तेल गर्म हो रहा है, मैं ये बना के रख लेती हूँ।
ब्रेड पे सब पे लगा के पिट्ठी। ये सबसे पहले ब्रेड का पीस लेना है, इसके ऊपर ये चटनी लगानी है जो हमने हरी बनाई है चटनी धनिए की। इसके ऊपर ये सब्जी लगानी है। बेसन को 10 मिनट हो गया है, अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। ये हमने पहले चटनी लगाई है, फिर आलू की पिट्ठी लगाई है। अब इसको हम बेसन में डुबो के डिप करके और तेल में डालेंगे। तो पहले ऐसे रख देना है बेसन में, और फिर इसके ऊपर से ऐसे कोटिंग कर देनी है। इतना बेसन है उसको सब पतीले में छोड़ के और फिर इसको डाल देना है। बनके तैयार हो गए पूरे, और जो आलू की चिट्ठी बनाई थी मैंने वो सारी खत्म हो गई है। अब इसको जो लाल सौंठ की चटनी होती है उसके साथ और हरी चटनी जो हमने बनाई है उसके साथ सर्व कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है।